हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है गेंजो का मेन ब्रिज, जो लकड़े का पट्टिया रहता है वो कैसे बने, उसका मैनेजमेंट कितना रखें। तो दोस्तों, चलो देखते हैं। तो दोस्तों, ये ब्रिज मेन ब्रिज बनाना है, मेन उसका बेस बनाना है बेंजो का। तो उसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर 35.5 इंच, मैं सेंटीमीटर में उसका मेजर माप दे रहा हूँ। तो 90 सेंटीमीटर उसकी लंबाई रहेगी, उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर रहेगी। और उसकी चौड़ाई 21 सेंटीमीटर रहेगी। और उसका थिकनेस 3 mm का रहेगा पट्टिया, 3 mm का थिकनेस वाला पट्टिया रहेगा तो अच्छा रहेगा। और 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस रहेगा तो बेंड नहीं हो सकता है। और उसका लकड़ा साग, नीम या बबूल का ले सकते हैं, क्योंकि वो बारिश की मौसम में बेंड ना हो जाए। तो दोस्तों, तो पूरा मेजरमेंट उसका देखते हैं। तो यहाँ से पूरा 90 सेंटीमीटर उसकी लंबाई रखने का, जो रीड पट्टी आता है वहाँ से यहाँ तक 69 सेंटीमीटर यहाँ तक होता है। यहाँ से बाकी का 21 सेंटीमीटर में ये सब पिकअप, ये ब्रिज, हैंडसेट, ये सब इसके बाद आता है। तो उसका अपने आप जो अपने पसंद आता है वही डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ से अपने चौड़ाई ले लेने का है 16 mm की, यहाँ भी 16 mm की चौड़ाई रखने का। बीच में आप कोई भी डिज़ाइन उसका बना सकते हैं, और ऐसा डिज़ाइन बनाने का कि हैंड स्टैंड सही ढंग से लग जाए। और जो वॉल्यूम और सॉकेट आता है वहाँ से आगे आप 15 सेंटीमीटर रख लेने का, इसके आगे यहाँ 14 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई रखने का, और बाकी 5 सेंटीमीटर यहाँ रहेगा। आप यहाँ राउंड शेप दे सकते हैं। तो आप उसकी डिज़ाइन कैसे भी बनाएं, लेकिन उसका जो पिकअप आता है वहाँ कम से कम 16 सेंटीमीटर चौड़ाई रखने का। तो दोस्तों, वो उसका मेजर माप यही रहता है, बाकी डिज़ाइन आप आगे कैसे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।